हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, हर दिल का आसमान है हिंदी। आज पूरा देश राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहा है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और आजादी के बाद देश में हिंदी के उत्थान के लिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये दिन देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और हालांकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह के से भारत में दो बार हिंदी दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में करीब 70% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे हिंदी को, जो यहाँ जो हमारे सबसे करीब है, यानी कि जिस भाषा को हम रोज बोलते हैं, हम तो कितना जानते हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीराम तिवारी जी, जो कि साहित्य प्रेमी हैं। साथ ही हमारे साथ अनुज कुमार जुड़े हुए हैं, जो कि साहित्य के जानकार हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हमारे साथ सुशील शर्मा जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप तीनों का ही बहुत स्वागत है पहले तो कार्यक्रम में। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है श्रीराम तिवारी जी आपसे मेरा रहेगा कि आज के दिन को मनाने की जरूरत क्यों है, क्यों लोगों में जो है हिंदी की इतनी कम जागरूकता है, क्यों लोग जो है पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? तो ये जो वर्षगांठ वाला जो सिलसिला है, दिवस वाला, ये हमने पश्चिम से उधार लिया हुआ है, तो इसके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि या तो हम हिंदी को अपनाना है, उसका सम्मान करना है, उसका बर्ताव करना है, तो 2400 घंटे और 365 दिन जो हैं वो आपके हैं, हिंदी के हैं, जो होना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि हम साल में एक दिन या दो, जैसा आप बता रहे, दो बार, क्योंकि हमारे ऐसे भी दो बार ही जन्मदिन मनते हैं लोगों के, एक भारतीय तिथि के हिसाब से और एक अंग्रेजी तिथि के हिसाब से। तो ये बेहद खेदजनक है और इससे हिंदी का कोई विकास नहीं होना है। हिंदी का विकास जिन अर्थों में, जिन माध्यम से होना है, वो सारे के सारे जो लोग हैं, सारे संस्थान हैं, वो लोग सक्रिय हैं और हिंदी को आज जैसा बता रहे हैं कि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में मानी जाती है, तो उसमें जो योगदान है वो आम लोगों का है और वो हमेशा सराहनीय रहेगा, सम्मान योग्य रहेगा। चलिए, यहाँ पे मनोज कुमार जी आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पर कि हिंदी को देखा जाए तो हिंदी भाषा जो है सबके ही, सभी बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के जमाने में लोग इससे बचते नजर आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो सारे अंग्रेजी अखबारों को, पत्रिकाओं को हिंदी में अनुवाद करके लाना नहीं पड़ता। इंडिया टुडे इसका एक बड़ा उदाहरण है कि इसको हिंदी में अपना एडिशन शुरू करना पड़ा, फिर भारतीय भाषाओं में जाना पड़ा। दूसरे आज के दौर में हम देखें तो जो कूड़े की भाषा, जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गियों की हिंदी की थी, आज वो कीबोर्ड की भाषा बन गई है। आज आप टाइप कर रही हैं तो हिंदी में बात कर रही हैं, मैं अगर आपके चैनल पे हूँ तो हिंदी के जरिए लोगों तक पहुँच रहा हूँ। तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बचने की कोशिश की जा रही है, एक सुनियोजित ऐसा कुछ कोशिश है जो हिंदी को दबाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे आप उठने की बात करते हैं, आप दबते चले जाते हैं। तो हिंदी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको बार बार मनाना पड़े? कोई वो रूठने वाली चीज तो है नहीं। दरअसल उसे हम, उसके गौरव को लोगों तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, और जो बोलचाल की भाषा है उस हिंदी को हम आत्मसात करें, तो हिंदी अपनी जगह पर और शायद और भी आगे बढ़ पाएगी, जो इस समय हम देख रहे हैं। तिवारी जी, यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उन्होंने जी ने खड़ा कर दिया है कि हिंदी दिवस को बार बार बनाई जरूरत क्यों पड़ रही है। सही बात है, क्योंकि देखिए, एक तो हिंदी दिवस मना रहे हैं और लगभग हर साल इस बात से सिलसिला शुरू होता है कि साहब हिंदी जो है वो उस मुकाम पर नहीं है जहाँ पर पहुँचना चाहिए। देखिए, आपने कहा राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा तो नहीं ही बनी, आज तक नहीं बनी, उसके बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन उसके राजनीतिक कारण है, वो नहीं बनी। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए तो वो इस तरह से आए थे कि हिंदुस्तान जो है वो अंधेरे का क्षेत्र है, बगैर पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, जादू टोने का क्षेत्र है, और वो उसका उद्धार करने के लिए आए। तो हमेशा ये बात, जैसे हिंदी दिवस के वक्त भी ये होता है कि जैसे कोई एहसान करने वाला है कि चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो कारपोरेट के लोग हों, कि चलो आज हम हिंदी खेल लेते हैं, हिंदी पकौड़ा भी बनेगा, तो वो उसी तरह से बहाने के, चलो भी हो गया इतिश्री रेवा खंडे, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर हम अपना काम करेंगे। लेकिन हिंदी जो 2000 साल में इतनी विकसित हुई,
उसमें फिर मेरा गंभीरता से कहना है कि उसमें राज्य की भूमिका कम है, समाज की भूमिका ज्यादा है और लोग उसको अपनाते चले गए और करते चले गए। जी यहाँ पर मनोज कुमार जी आपके पास मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर अगर एक चीज देखी जाए तो आज के युवाओं का जो है भाषा और वर्तनी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है, लोग जो है युवा जो है आज के अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, हिंदी बोलने से कहीं कहीं बसते नजर आते हैं, उन्हें मतलब प्रेफर ज्यादा करते हैं कि हम हिंदी बोलें, इंग्लिश बोलें, तो उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, उनके लिए क्या ऐसा किया जाए कि उन्हें पता चले कि हिंदी जो है एक बहुत बड़ा विस्तार है, उनकी व्याकरण ठीक नहीं होती है, मूल भाषा है हमारी हिंदी। व्याकरण, वर्तनी और ये सारी चीजें अब लगता है कि पीछे छूटती चली जा रही हैं। हिंदी दरअसल एक बहते हुए पानी की तरह है जो अपने समय के साथ खुद को बदल लेता है। अभी हम कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, ऐसे में जब घर के दरवाजे बंद थे, स्कूल के दरवाजे बंद थे, तब भी पढ़ाई हो रही थी, तो ये हिंदी का टेक्नोलॉजी के साथ चलने का असर था। जहाँ तक आपने जो बात कही कि अंग्रेजी शब्दों का अधिक इस्तेमाल होता है, अगर आप सिगरेट या पटरी या प्लेटफॉर्म को आप हिंदी में लेके जाएंगे तो शायद आप या हम ना समझ पाएं। ये वो हिंदी है जो पंत और निराला को साथ लेके चलती है, तो दुष्यंत और परसाई की भी बात करती है। तो दरअसल जो लोग समझ सकें, जिसके साथ हम चल सकें, वो हिंदी, वो उस हिंदी के लिए आज यूथ चल रहा है और यूथ बात कर रहा है। आज आप इस चैनल पर बैठकर अंग्रेजी जानते हुए हिंदी में बात कर रही हैं, तो केवल इसीलिए कि आपको बोलचाल की हिंदी चाहिए, न कि वो पुष्ट हिंदी जिसको हम समझ भी ना पाए। जी तिवारी जी, यहाँ पे देखा जाए तो एक और चीज है कि जो हिंदी के धुरंधर थे, जो हिंदी में हिंदी के लिए जीते थे, आज लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। जिनके कई सारे साहित्य हैं, जो हिंदी में उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, कई लोग जो हैं ऐसे जो कह सकते हैं कि महापुरुष उन्हें नहीं जानते हैं, तो इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, फिर मेरा ये कहना है, और मैं ऐसा तेवर अपनाना नहीं चाहता कि मैं कोई संस्था के खिलाफ या राज्य के खिलाफ कुछ बोलना है जी। लेकिन ये एक तरह से हिंदी को लगभग उपेक्षा की भाषा के रूप में अपनाते चले गए, बनाते चले गए, और मीडिया ने, जिसको हम हिंदी में कहें माध्यम कहें, लेकिन मीडिया सब जगह प्रचलित है और लोगों को समझ आता है, तो इसने सबसे ज्यादा नुकसान भाषा का किया है, हिंदी का किया है। आप कोई भी अखबार उठा के देख लें तो जहाँ गैर जरूरी शब्द हैं उनका भी अंग्रेजी में, मतलब समझ में नहीं आता है कि या वो हिंदी का अखबार है या अंग्रेजी का अखबार है। और ठीक ऐसे ही अब बहुत सारे जो चैनल्स हैं वहाँ भी जो है भाषा के साथ हमारा जो सलूक है वो थोड़ा सा क्रूरतापूर्ण है, बर्बरतापूर्ण है। तो पहले तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि यदि आपको अंग्रेजी में कुछ काम करना है, अंग्रेजी में अखबार निकालिए, लेकिन आप हिंदी का मोह भी नहीं छोड़ना चाहते। हिंदी का जो पाठक समुदाय है, पाठक वर्ग है, उसको भी आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसको आप जो असंस्कारित या कुछ संस्कारित करने का जो काम कर रहे हैं हिंदी के अखबार, इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम से कम वो इतना भला करें कि यदि हिंदी में अखबार निकाल रहे हैं तो कम से कम हिंदी का इस्तेमाल करें, जो आम बोलचाल के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल करें, जिनको हिंदी समाज ने, देश ने अपना लिया है, जैसे मनोज जो कह ही रहे हैं कि प्लेटफॉर्म है या रेल है या और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका हम सहज